इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे लैपटॉप्स को कवर करने वाले हैं जो आप इस समय अंडर 30,000 के प्राइस पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। पर उससे पहले इस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप कंसीडर करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि प्रोसेसर में अगर आप 4 कोर्स प्लस 8 थ्रेड एंड अबव का प्रोसेसर सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, रैम में आपको 4GB वाला लैपटॉप ऑप्शन और SSD में आपको 256GB SSD वाला लैपटॉप ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिस्प्ले में आपको HD डिस्प्ले ऑप्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके लिए DOS बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। तो आज के लिस्ट में सबसे पहला लैपटॉप ऑप्शन है जेब्रोनिक्स प्रो NBC 2S, जिसमें कि आपको प्रोसेसर में इंटेल कोर i5 का 1155G7 प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है, जो कि एक 4 कोर्स और 8 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन है। नेक्स्ट, डिस्प्ले में इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं रैम में इसमें आपको 8GB DDR4 3200 MHz रैम ऑप्शन रिसीव होगा, जो कि नॉन अपग्रेडेबल है। साथ ही साथ इसमें आपको स्टोरेज में 512GB M.2 SSD ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट और ग्राफिक्स कार्ड में इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ऑप्शन भी रिसीव होता है। इसके बाद इस लैपटॉप का वेट आपको ओनली 1.65 kg और बैटरी में आपको 38.5 Wh का बैटरी देखने को मिलता है, जो 65 W टाइप सी अडैप्टर ऑप्शन के साथ आता है। एडिशनली इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और मेटल बॉडी का ऑप्शन भी रिसीव होता है। फाइनली इसका करंट प्राइस आपको अंडर 29,000 में देखने को मिल सकता है। वैसे लैपटॉप को चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगा। वहीं अगर आप कंपैरेटिवली न्यूअर ब्रांड में सिमिलर प्रोसेसर ऑप्शन के साथ 100% sRGB वाले ऑप्शन को प्रेफर करते हैं तो आप टेक्नो मेगाबुक T1 के कोर i5 1155G7 प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको डिस्प्ले में 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले ऑप्शन रिसीव होगा, जो आता है 100% sRGB ऑप्शन, 60Hz का रिफ्रेश रेट और 350 nits का पीक ब्राइटनेस ऑप्शन के साथ, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन है। वहीं रैम में इसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पे भी 16GB DDR4 रैम ऑप्शन रिसीव होता है, जो कि एक नॉन अपग्रेडेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ इसमें आपको स्टोरेज में 512GB Gen 3 SSD ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट और हल्के फुल्के ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम के लिए इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स ऑप्शन भी रिसीव होने वाला है। वैसे इस लैपटॉप का वेट आपको ओनली 1.56 kg का देखने को मिलता है, पर इतना लाइट वेट होने के बाद भी इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको बैटरी में 70 Wh का बैटरी ऑप्शन इंक्लूडिंग 65 W PD चार्जिंग रिसीव होता है। इसके बाद एडिशनली इस लैपटॉप में आपको LED बैकलिट कीबोर्ड ऑप्शन के साथ साथ ये सारे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। फाइनली इसका करंट प्राइस आपको अंडर 30,000 में देखने को मिल सकता है। वैसे सभी लैपटॉप का बेस्ट वार्निंग आपको डिस्क्रिप्शन में रिसीव हो जाएगा। वहीं अगर आप लास्ट दोनों ब्रांड के कंपेरिजन में वेल नोन ब्रांड लैपटॉप ऑप्शन प्रेफर करते हैं तो आप लिनोवो V15 के राइजन 3 5300U प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें भी आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले में इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आता है 250 nits का पीक ब्राइटनेस और एंटी ग्लेयर ऑप्शन के साथ। इसके बाद रैम में इसमें आपको 8GB DDR4 3200 MHz रैम ऑप्शन रिसीव होगा, जिसे आप अप टू 16GB DDR4 रैम तक अपग्रेड कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टोरेज में 512GB M.2 SSD ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट में इसमें आपको MS Office 2021 वर्जन भी देखने को मिलता है। वहीं ग्राफिक्स कार्ड में इसमें आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स और वेट में यह लैपटॉप आपको ओनली 1.7 kg लाइट वेट ऑप्शन के साथ आता है। बाकी बैटरी में इसमें आपको 38 Wh का बैटरी ऑप्शन विद फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी रिसीव होता है। एडिशनली इस लैपटॉप में आपको 19.9mm थिन ऑप्शन, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट और वेबकैम विद प्राइवेसी सेटअप भी देखने को मिलता है। फाइनली इसका भी करंट प्राइस आपको अंडर 30,000 में देखने को मिल जाता है, जिसका बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन में रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट, आप चाहे तो इस Lenovo V15 के Ryzen 3 7320U प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें भी आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले में इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले ऑप्शन और रैम में इसमें आपको 8GB DDR4 रैम ऑप्शन रिसीव होता है, जिसे आप अप टू 16GB तक अपग्रेड कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको
स्टोरेज में 512 GB SSD ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट और हल्के फुल्के ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम के लिए इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। पर वेट में यह लैपटॉप आपको अराउंड 2 kg का रिसीव होने वाला है। रेस्ट इस लैपटॉप में आपको 180 डिग्री तक हिंज को मूव करने का ऑप्शन और HD वेबकैम के साथ साथ प्राइवेसी शटर का ऑप्शन भी रिसीव होता है। फाइनली इसका करंट प्राइस आपको अंडर 30,000 में देखने को मिल सकता है। वैसे किसी भी लैपटॉप को चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट बाय लिंक आपको रिसीव हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे आज के लिस्ट में सबसे पावरफुल प्रोसेसर ऑप्शन के लिए आप इस जेब्रोनिक्स प्रो NBS 3S के कोर i3 1215U प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको 6 कोर्स और 8 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है। नेक्स्ट डिस्प्ले में इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले ऑप्शन और रैम में इसमें आपको 8 GB DDR4 3200 MHz रैम ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टोरेज में 512 GB M.2 SSD भी रिसीव होता है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट और ग्राफिक्स कार्ड में इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वैसे इस लैपटॉप का वेट आपको अराउंड 1.76 kg और बैटरी में आपको 38.5 Wh बैटरी विद 65 W चार्जर भी रिसीव होता है। एडिशनली इस लैपटॉप में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, मेटल बॉडी, 180 डिग्री हिंज को मूव करने का ऑप्शन और फिंगरप्रिंट सेंसर भी रिसीव होगा। फाइनली इसका करंट प्राइस आपको अंडर 30,000 में देखने को मिल जाता है, जिसका बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन में रिसीव हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आप चाहे तो अपने लैपटॉप से रिलेटेड कंफ्यूजन के लिए इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली वीडियो अगर अच्छा लगा उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।